हरहोन में दंगे का मामला अभी शांत नहीं हुआ कि जिले के बावनपुरी गांव में तीर चलाने का मामला सामने आ गया, जहां पर मामूली बात पर बदमाशों ने दादा और पोते पर तीर से हमला कर दिया। तीर लगने से दादा और पोता गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर है और दोनों का अस्पताल में इलाज जारी है। दरअसल मामला खरगोन के बिस्तान थाना क्षेत्र में आने वाले गांव बामनपुरी का है, जहां पर गांव के मामूली विवाद में लोगों ने दादा एवं पोते पर तीर से हमला कर दिया, जिसमें दादा एवं पोता दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर दोनों के तीर निकाले गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। तीर से हमला करने वाले दोनों बदमाश गांव से फरार है। पुलिस दोनों बदमाशों की तलाश में जुटी है। काहे के लिए मार जा रहे इन्होंने? ओ हेल पे तो अच्छा दारू वारो तो वो घुमा कदमी को गाली पकाई बदले नहीं काहे के नहीं गाली पकाई बरे हो बोलिया तो वो मुझसे फिर हाँ मैं साइकिल से कर साइकिल तो साइकिल से ना तीर नहीं तो तीर कैसे मारा उन्होंने? तीर तो मैं कोई तीर को सुख देना आई थी ऊपर तो वो तो भाप सुख दे दिया वो गाला सला वही की थी कितने तीर चलाए थे उन्होंने? क्या नाम है तुम्हारा? कितने मार दिया तुमको? पुलिस का थे आपस में। कौन कौन था मारने वाला? गुलाम और फुक्का। अच्छा आपसे रंजिश के चलते। कौन लगते हैं तुम्हारे? वो भी रिश्ते में सन केसे से रिफर किया गया है दो पेशेंट को, जिसमें एक 50 साल का आदमी है जिसके उल्टे कंधे के आसपास में तीर लगा हुआ है और एक 17 साल का बच्चा है जिसके पीठ में तीर लगा हुआ है। दोनों की कंडीशन अभी स्टेबल है, प्राथमिक उपचार के लिए दोनों को वार्ड में भर्ती किया गया। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर विजय पाटिल। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।